वेलकम बैक। और आज थोड़ा ये सब सामान आया है, अभी तो थोड़ा थोड़ा ही लेकर आते हैं क्योंकि सामान को पूरा क्लीन करना होता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही लेकर आती हूँ, फिर क्लीन करके रखती हूँ, फिर लेकर आती हूँ। ये तो एकदम इतना सारा हो जाता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है उसको क्लीन करना। अभी भी इसको क्लीन करके रख दूंगी, नहीं तो खराब हो जाएगा। ऑलरेडी ये इसमें बनाओ पतीला पतीला। और आज थोड़ा ग्रीन टी पीने का मन हो रहा है तो मैं हबी को बोला आप थोड़ा ग्रीन टी बना लो, तो वो जा रहे हैं। और कभी ये ग्रीन टी नहीं कभी बनाए नहीं, जैसे नॉर्मल चाय जो होता है वो बनाते हैं, पर ग्रीन टी उनको बनाना नहीं आता है। और मुझे ये सब वॉश करना है, तुम वॉश कर लोगे, मैं बनाऊ? मैं वॉश कर लूं, कर लेता हूं। ओके चलो ठीक है, मुझे ना ये बहुत झंझट लग रहा है वॉश करना। और वेजिटेबल भी आया है, मशरूम, ये लो। क्या क्या रख दो, मैं लेकर जाऊंगी, वहां पे रखो। मशरूम, परवल, अच्छा अच्छा सब्जी भी लेकर आए है। कैमरा थोड़ा सा साइज करो, क्यों तुम्हारा मुंडी कट रहा है? हाँ, कट रहा है। जुको, जुको, नीचे हाँ, झुकना है नहीं तो क्या, मैं फिर कट रहा हूँ। और फिर अभी उसको सेटिंग करने के लिए जाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। अभी तुम ये तो कैमरा में आने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है, फुटेज करने के लिए। ऑफिस रहता है तो ये दिन में तो आते नहीं है, इवनिंग आते तो मैं ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। माइंड फ्रेश रहता है तो बना लेती हूँ, नहीं तो इवनिंग को ब्लॉग बनाने के लिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हम जहाँ ये ऑफिस से आते हैं, बच्चों का पढ़ाई रहता है, उनके बच्चे फैमिली टाइम नहीं देती हूँ। सभी एक तो टीम कह रहे हम बनाते हैं आज ग्रीन टी। फिर अब बनाऊंगी मैं ग्रीन टी। पानी ले लिया मैंने 2 कप, बड़ा वाला कप में। अब मैं ये टी बैग डालूंगी। टी बैग ऐसे भी आप पानी गर्म करके भी डाल सकते हो, पर मैं ना इसे खोल के इसके अंदर डाल देती हूँ ताकि इसका पूरा फ्लेवर इसके अंदर चला जाता है और अच्छा लगता है। ऐसे डिप करने से ना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मैं पूरा खोल के जैसे स्टाइल में डाल देती हूँ इसके अंदर। भूख लग रहा है, कुछ दो। अच्छा योगर्ट लेकर आए ना पापा? हाँ दो दे दो। ऑलरेडी चिप्स तो पकड़ खा चुका है, पर ये है ना नहीं। अभी बहुत दिन के बाद घर पे योगर्ट आया क्योंकि बाहर का सामान थोड़ा कम ही लाते थे। ये थोड़ा थोड़ा बच्चे है तो लेकर आएंगे, जाओ दीदी को दे देना, ठीक है? ओके। ग्रीन टी आप पियेंगे, आप भी थोड़ा पीजिए ग्रीन टी। चलो तुम्हारा भी हो गया, दोनों का काम देखो ठीक से हुआ, टाइम में फिनिश हो गया, मेरा भी हो गया। हाँ उसका भी बड़ा एक बड़ा वाला काम जो फिनिश कर दिया इसने। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और कल इवनिंग का वीडियो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि हबी का थोड़ा फोन आ गया था और थोड़ा हम लोग बिजी भी हो गए। फिर सोचा कि ठीक है सुबह ही मेरी ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि मैं सुबह ही मुझे कंफर्टेबल होता है ब्लॉग करने के लिए। इवनिंग को बच्चों का काम रहता है, हबी का भी काम रहता है और ऑफिस जाने के बाद तो थोड़ा काम बढ़ भी जाता है, इसलिए कल इवनिंग को और नहीं कर पाई। तो आज लंच के टाइम जब लंच प्रिपरेशन कर रही हूँ तभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी, मेरी ब्लॉग। और आज मैं बनाऊंगी एक अच्छा वाला रेसिपी, बहुत अच्छा लगता है वो रेसिपी, वो है प्रॉन मलाई करी। हम लोग बोलते हैं चिमड़ी मच्छर मलाई करी, और वो बनाऊंगी। सोचा वो भी आपके साथ रेसिपी एक शेयर करूंगी क्योंकि मेरी ब्लॉग में तो मैं एक रेसिपी, चाहे वो इजी हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो,
मैं एक रेसिपी दिखाती हूँ और क्या बोलूं। और हाँ, उसके साथ बनाऊंगी भेज पलाव, नॉर्मल सा एक पलाव जो होता है वो बना लूंगी। बासमती नहीं, बासमती राइस में नहीं, नॉर्मल जो हम लोग डेली बेसिस में जो राइस यूज करते बुलेट राइस, उससे मैं बना लूंगी पलाव, वो अच्छा लगता है। और यही तो ये रेसिपी भी दो आपके साथ शेयर करूंगी, पर आज जल्दी जल्दी मैं बना लूंगी क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुका है और मेरा बेटा 12:30 बज गया तो वो आ जाएगा किचन में, मम्मा खाना दो, मम्मा खाना दो, तो मुझे जल्दी जल्दी बना लूंगी। तो मैं आपको दिखा दूंगी मैं क्या क्या बना रही हूँ, पर आज शायद मैं आपके साथ बात करते करते वीडियो ना बना पाऊँ, शायद अगर होगा तो बना लूंगी। और चलिए, मेरे बेटा अभी नहाने के लिए गया है, उसका तब से बोल रही थी नहाओ नहाओ, आजकल ना थोड़ा सा वो, हाँ देखो अभी मम्मा टॉवल मांग रहा है, ठीक है हाँ बाबू दे रही हूँ, हाँ टॉवल ला के रखी थी, टॉवल टॉवल टॉवल, यस यस यही पे ही रखी टॉवल, लेने के लिए भूल जाता है टॉवल टॉवल टॉवल, मामा टॉवल टॉवल रख कर गई, मैं वो लेकर जा भूल गया, और वो ये बाथरूम में वो टॉवल लेता है, अच्छा लगता है उसको इधर नहाने के लिए। और यहाँ पे मेरी बेटी थोड़ी मुझे हेल्प कर रही है मटर छीलने के लिए, उसका पढ़ाई तो खत्म हो गया है, तो बोला मम्मा थोड़ा मेरे मुझे हेल्प कर दो मटर छीलने के लिए, मैं भैंस पलाव बनाऊंगी। थैंक यू माँ, थैंक यू, वेलकम। और ये बहुत ही ना शांत है, उसका जो जब बात करते ना उसका मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, आप शायद कभी भी उसके बात सुन नहीं पाओगे क्योंकि उसका वॉइस बहुत लो है, मेरी तरह नहीं है, मेरी तरह बैठा हुआ है, ये बिल्कुल उसके पापा की तरह हो, पर उसके पापा मेरे साथ क्या मतलब संग दोस्त बोलते ना, मेरे साथ रह रहकर उनका थोड़ा आवाज निकला है, पर इसका आवाज अभी तक भी नहीं निकला है निकलेगा। और ये मेरा मटर छिल के दे दिया मेरी मामून ने, अब मैं बनाऊंगी भेज पलाव। और चिंगड़ी माछ मलाई करी बनाने के लिए, उपरान मलाई करी बनाने के लिए ये नारियल को भी मैं काट के रख दी हूँ, उसका भी मैं मिल्क निकालूंगी इसके अंदर से, तो वो भी प्रोसेस में दिखा देती हूँ और जल्दी जल्दी बना लूंगी। अब मैं सारा नारियल को जार में रखकर थोड़ा पानी दूंगी, 1 कप से थोड़ा कम ही पानी दूंगी मैं, अब इसको ग्राइंडिंग कर देंगे। हो गया है अभी ग्राइंडिंग, अब इसको हम छन्नी से अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे, पूरा निचोड़ लेंगे, पूरा मिल्क निकाल देंगे अब नारियल का। हो गया है नारियल मिल्क, और अब मैं थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बना लूँगी, मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़त्म हो गया था, और साथ साथ में मैं प्याज का भी छिलका निकाल के रख दूँगी। पलाव में प्रॉन में मुझे चाहिए ऑनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बन गया मेरा, चॉपिंग का पूरा काम करना है अभी। मैं कॉलीफ्लावर जब क्लीन करती हूँ तो हल्दी के पानी में डालती हूँ, सारा भेजी को मैं कट कर लूँगी, और मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कट करूँगी, जब हम भेज बिरयानी बनाएंगे तो बड़ा बड़ा कट करेंगे तो वो टेस्ट अलग सा आता है, बहुत अच्छा आता है। प्रॉन के लिए मैं 1 प्याज लूंगी और भेज बिरयानी के लिए 3 बड़ा प्याज ले रही हूँ। अब पैन में ऑयल डाल दिया है, अब मैं जीरा डाल का थोड़ा तड़का लगाऊंगी, और जीरा थोड़ा करकर होने के बाद ये सारा स्पाइसेस, स्टार अनियंस और तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, सारा चीज़ डाल दूंगी मैं बिरयानी हंडी में। थोड़ा मैं लाल मिर्ची दूंगी ताकि प्याज का कलर बहुत अच्छा आएगा जब भुनेंगे प्याज को। प्याज को डाल के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। स-
सॉल्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि सॉल्ट तो मैं सब फ्राई में सब सॉल्ट डालती हूँ, जैसे मैं ऑनियन फ्राई करती हूँ, आलू फ्राई करती हूँ, जो भी मैं फ्राई करती हूँ पहले मैं थोड़ा सॉल्ट डालती हूँ। अब मैं प्रॉन में सॉल्ट डाल के थोड़ा मैरिनेट करके रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे सिर्फ प्रॉन में, इसलिए मैं थोड़ा ही नमक डाल के मैरिनेट कर दिया है। और ये रहा मेरे कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क को ना हम थोड़ा थिक बनाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, थोड़ा थिक बनाएंगे। हो गया मेरा ऑनियन फ्राई। अब मैं सारा वेजिटेबल जो काट के धो के रखी थी उसको डाल दिया है। अब मैं फ्राई करूँगी और जिंजर गार्लिक पेस्ट अब डालूंगी। मैं बड़ा बड़ा 2 स्पून ली हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट क्योंकि मेरा क्वांटिटी भी बहुत रहेगा। मैं 1 किलो राइस में बनाऊंगी आज बिरयानी। अब टमाटर भी डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से भूनना है हमें, पूरा भेजी आधा कुक होने तक हमें भूनना है। सॉल्ट भी डाल दिया और चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, बस अभी भूनूंगी। अब मैं इधर प्रॉन मलाई करी बिठा दूंगी, थोड़ा ऑयल लिया मैंने। और ये जो मैं मैरिनेट की थी नमक के साथ प्रॉन को, वो डाल के थोड़ी सालो फ्राई कर दूंगी। पूरा फ्राई नहीं करना है नहीं तो प्रॉन सख्त हो जाएगा। तो मलाई करी में हमें बिल्कुल पूरा सब प्रॉन चाहिए, इसलिए थोड़ा ही सेलो फ्राई ही करेंगे। बस अब सारे प्रॉन को मैं निकाल दूंगी, 1-2 मिनट बस हो जाएगा। उसके बाद हो गया मेरा प्रॉन फ्राई। अब मैं इसमें थोड़ा इलायची कूट के डाल दी हूँ और प्याज डाल दूंगी। डाल के प्याज को थोड़ा अच्छे से फ्राई करके अब मैं इसको ढक दूंगी। देखिए क्या हुआ है मेरा बिरयानी का हालत। हाँ हो गया। अभी थोड़ा बिरयानी मसाला मैं डाल रही हूँ। अब ये ढेर सारा ग्रीन चिली और धनिया पत्ता भी डाल के फ्राई करके फ्राई कर लूँगी। और इधर मैं 4 ग्लास चावल ली थी और 4 ग्लास के लिए मैं 8 ग्लास पानी डाली हूँ। थोड़ी देर बॉईल आने तक हम पकाएंगे। अब मैं मलाई करी में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं 1 स्पून ही ली हूँ, ज़्यादा नहीं। बस इसको अच्छे से भून लेंगे। भून के इसमें अभी नमक डाल दिया मैंने और थोड़ा चिली पाउडर, इसमें हल्दी नहीं पड़ेगा। और अब डालूंगी मैं कोकोनट मिल्क और थोड़ा सा ग्रीन चिली और बाकी प्रॉन डाल के थोड़ा सा बॉईल होने के बाद मैं गैस बंद कर दूंगी। अभी थोड़ा ढक के पकाएंगे। अब बिरयानी में मैं चावल डाल दूंगी, बॉईल आ चुका है। धीरे धीरे चावल डालकर थोड़ा सा मिक्स करके ढक के रख दूंगी और हाई फ्लेम में मैं 10 मिनट पकाऊंगी। अब मेरी मलाई करी थोड़ा हो के आ रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल दिया और थोड़ा धनिया पत्ता। बस हो गया अब मेरा मलाई करी। ये तो बहुत ईजी रेसिपी है। अब इसका भी थोड़ा पानी, हाँ पानी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। अब मैं इसको धनिया पत्ता डालकर लो फ्लेम में मैं 10 मिनट के लिए फिर बिठा दूंगी दम पे। अब हो गया मेरा बिरयानी। अब मैं इसके अंदर घी डालूंगी। घी कैसे डालूंगी, मैं इससे नाइफ लेकर चारों तरफ हमें होल करना है। होल करके सारे होल में मुझे घी देना है, तब ये क्या होगा कि अंदर तक जाकर बिरयानी अच्छे से पकेगा और नीचे चिपकेगा भी नहीं। ये देखिए मैं कैसे भर रही हूँ, अंदर तक पूरा घी डाल दूंगी। तो ये पूरा घी पूरा अंदर तक जाकर स्लो में कुक होगा, तब बिरयानी का स्मेल बहुत अच्छा लगेगा। आप ये मेथड को ज़रूर अपनाइए, ज़रूर कीजिए। अब हो गया मेरा बिरयानी मलाई करी, दोनों ही रेसिपी हो गया रेडी। अब हम खाना खाएंगे। मेरी बेटी थोड़ा मुझे हेल्प कर रही है प्लेट क्लीन करने के लिए। और ये देखो ये तो इधर कूद रहा है बिरयानी का। थोड़ा धनिया पत्ता ऐसे ऊपर में डाल के
परफेक्ट बना है भैंस पलाव, पलाव बोलिए या बिरयानी बोलिए, जो भी बोलिए, बट बहुत अच्छा हुआ है। बाबू आजा, आजा बाबू आजा, चल लेकर आ जाओ बेडरूम में ना, चल मामा तू इधर बैठोगी, बहुत अच्छा है, बहुत। हाँ बाबू खाओ, कितना बना है इधर, सबको बहुत बहुत चाहिए, मम्मा ने बनाया भी है बहुत। हाथ धोया, हाथ धोलो, हाथ अच्छे से वॉश करो, हैंड वॉश करो अच्छे से। मम्मा ये कल भी रहेगा ना? कल का भी चिंता हो रहा है उसको, बोल रहे कल के लिए भी रखो इसको, और कल तो बाबू का मेरे बर्थडे है तो कुछ स्पेशल स्पेशल फील बनाऊंगी मैं। कल हमारा प्योर भेज बनेगा, क्योंकि बच्चों के बर्थडे पे मैं नॉनवेज नहीं बनाती हूँ। उड़ीसा में एक मंदिर में वो बच्चों के लिए दिया जाता है उस दिन बर्थडे के दिन, इसलिए नॉनवेज नहीं बनाती हूँ। पर जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाऊंगी, प्याज भी दूंगी, बस नॉनवेज ही नहीं बनेगा। और ये भैंस पलाव के साथ मलाई करी, चिकन प्रॉन मलाई करी बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा जूस भी रखी हूँ। आपको अगर थोड़ा सा ड्राई भी करेंगे भी तो होगा, पर हम लोग पलाव में खाएंगे। थोड़ा ग्रेवी रखी उसका मैं, और मुझे ग्रेवी होता है ना मलाई करी में, वो मुझे उसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा ग्रेवी ही रखती हूँ, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ा ज्यादा ही बना लिया एक्स्ट्रा थी, रात को भी थोड़ा रहेगा खा लेंगे, क्योंकि रात को बाबू का बर्थडे के लिए मुझे थोड़ा कुछ लाने के लिए जाना है बाहर, केक भी ऑर्डर करना। अभी आएंगे तो इवनिंग को जाएंगे हम लोग, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। जो लास्ट में मैं घी दिया ना, ऐसे ही होल्ड करके आप उसके अंदर घी दीजिए, ताकि घी पूरा अंदर तक पैन का, पूरा कढ़ाई का, जो हांडी का अंदर तक वो घी जाएगा और अंदर तक कुक होगा, वो घी का स्मेल पूरा आएगा, खिला खिला पूरा बनाएंगे, मस्त लग रहा है, मस्त। और ये थोड़ा जूसी है ना, थोड़ा ग्रेवी उसके साथ ऐसे मिला के बस खाई। ऑसम। ओके फ्रेंड, फिर हम तो प्रॉन मलाई करी और भेज पलाव बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे। आप भी ये रेसिपी जरूर बनाइए, और ये चिंगड़ी मलाई करी, प्रॉन मलाई करी आप तो मतलब मस्ट बनाइए, फिर मुझे बोलिए कि कैसा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी अच्छे से आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें तीखा भी ज्यादा नहीं है, और ये बहुत मतलब बहुत अच्छा बनता है, क्या बोलूं। काश मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकती, शेयर तो कर लिया, काश मैं ये चिंगड़ी मलाई करी, जो प्रॉन मलाई करी
आपको खिला सकती हूँ। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा, आप जरूर बनाइए। चलिए फिर मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ही रखती हूँ, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। फिर ले बाय बाय।